महात्मा गांधी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विरोधी नहीं थे, केवल मानवता के बिना विज्ञान उन्हें स्वीकार नहीं था। यह कहते हुए कि डॉक्टर महात्मा गांधी ऐसी तकनीक की अपेक्षा करते जो मानव कौशल को बनाए रखे, मानव हाथों के लिए काम करे और पर्यावरण के अनुकूल हो। रविंद्र रुक्मणी पंडरीनाथ द्वारा राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा गांधी विचारधारा के स्नातकोत्तर विभाग की ओर से महात्मा गांधी स्मृति व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। विज्ञान प्रौद्योगिकी और गांधीवादी विचार पर इस व्याख्यान माला में डॉक्टर रविंद्र ने शनिवार को अपने विचार व्यक्त किए। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पानसी, बीसीएन न्यूज नागपुर।